वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से अपने चैनल ओशन टेक्निकल गुरु जी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने मर्चेंट की सारी वीडियो देखे होंगे, आपको पता ही होगा कैसे ज्वाइन करनी, कैसे क्या करनी है, रात में कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं, और मैं आपके डाउट पे प्रॉपर वीडियो भी बना रहा हूं जैसे मेरे को टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आप शिप पर जाते हो तो आप अपने घर वालों को क्या बताकर जाएं, तो इस पर मैं सोचा पूरा प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि घर पे क्या क्या बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तीन चीज़ हमेशा घर पे बता के जानी चाहिए हमेशा, ताकि क्योंकि हमारा हम आउट ऑफ नेटवर्क रहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है घर वालों से। तो उनको तीन चीज़ पता होनी चाहिए घर वालों को, और उनको बताना भी चाहिए हमें आप कैसे चेक करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा। तो मतलब तीन चीज़ें आपको बतानी चाहिए घर पे। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या। पहली बात फ्रेंड्स, आप कंपनी का कॉन्टेक्ट लेटर आपको मिलता है, उसकी एक फोटोकॉपी निकाल के आप अपने घर पे दे दो। कंपनी कॉन्टेक्ट लेटर, कंपनी का कॉन्टेक्ट लेटर की हमारे पास फोटोकॉपी होती है, समझे तीन चार होती है, मतलब पांच तक होती है। तो आप उनमें से एक कॉपी एक्स्ट्रा निकलवा के अपने घर पे दे दो, ताकि आपके घर वालों को पता तो चल सके ना कि हमारा बंदा, हमारा बेटा किस कंपनी में काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, पूरा पता चलता है कितनी सैलरी है, कितना क्या है। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में पूरा उसमें कंपनी का दिया हुआ रहेगा, या तो कोई दूसरी कंपनी ओनर है तो उसका भी नाम रहेगा, किस आरकेएसएल कंपनी के थ्रू जा रहा है उस एजेंट का भी नंबर रहेगा, पूरा सिस्टम रहेगा उसमें। तो एक चीज़ तो आपको घर पे ये देखे जानी चाहिए, ताकि कल को वैसे वो नहीं, लेकिन कुछ को कुछ हो गया तो आपको आपके घर पे रहेगा, तो मतलब ये सही है आपके लिए। और दूसरी चीज, आपको आप जब शिप पर जाते हो तो अपने घर वालों को या तो जहाज का नाम या उसका IMO नंबर, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर में उसमें मिल सकता है आपको, लेकिन आपके घर में आपका भाई, आपका पापा, जो भी पढ़ा लिखा हुआ, यदि कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो भी आप मतलब कोई फैमिली में और भी कोई भी होगा, तो आप उसको जहाज का नाम, शिप नेम, शिप नेम या IMO नंबर, IMO नंबर, शिप का नाम या IMO नंबर, ये चीज आपको घर पे बतानी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में से कोई भी चीज बता दो, और इनका इनका करना क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने अपने घर पे कॉल नहीं किया, जैसे मतलब आपको 10 दिन लग गया, 15 दिन लग जाता है, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी के टाइम में चलो हर जहाज में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम में होता था, और अभी भी कुछ शिप में हो रहा है, कुछ कंपनियां नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती, हमें लिमिट का करती है लेकिन ज़्यादा नहीं करती, कई बार हमारे घर वालों से मतलब बात भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, घर वालों को शिप का नाम, शिप का नाम बता दो, IMO नंबर बता दो। अब इसको सर्च करने का बढ़िया तरीका बताता हूँ, दो एप्लीकेशन है, एक का नाम है वेसल फाइंडर, वेसल फाइंडर, एक का नाम है मेरिन ट्रैफिक। ये दोनों एप्लीकेशन या तो डाउनलोड कर लो, उस पर दिखा देगा, यदि वो भी डाउनलोड नहीं करते तो गूगल पे सीधा लगो शिप का नाम, और उनको ये भी बता दो जहाज के नाम के आगे ये लगा देना MV, और जो भी एक्सप्रेजर जहाज का नाम है वो लगा देंगे, तो उस जहाज का पूरा डिटेल आ जाएगा, वो जहाज कहाँ से निकला था, कब निकला था, कितने टाइम पे निकला था, वो कहाँ जाने वाला है, कब पहुंचेगा, किस टाइम पे पहुंचेगा, आपको ये पूरी डिटेल आपके पास रहेगी, आपको पता चल जाएगा। और इसमें ये भी पता चलता है जहाज कितना लंबा है, और ये कब बना था, और अभी इसका मतलब विंडन करंट, पूरा टोटल पता चलता है। और दूसरी बात, IMO नंबर से यदि आप सर्च करते हो, पहले मैंने आपको बता दिया कि शिप का नाम क्या, MV लगा देना, लास्ट वेसल लगा देना, वेसल, वेसल, वेसल शिप कोई बोलते हैं, जहाज कोई वेसल बोलते हैं, या शिप पे लगा सकते हो, लेकिन MV लगा के आप जहाज का नाम लगा दोगे ना, तो इसमें आपका जहाज का पूरा डिटेल आ जाएगा। और IMO नंबर लगाओगे ना, IMO नंबर इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO नंबर होता है हर जहाज का होता है, और उसका 7 अक्षर का होता है, आप वो आपके पास मतलब उसका IMO नंबर है, IMO नंबर लगा के आप क्या करना, आगे लिख देना वेसल, आप गूगल पे ये लगाओगे ना, IMO नंबर लगा दोगे और वेसल नाम लगा दोगे, तो भी आपका आपको उस पूरा जहाज का डिटेल आ जाएगा, तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात,
मैंने दो चीज आपको बता दी और तीसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे मतलब मैं हूँ, तो मैं मतलब किसी कंपनी में जा रहा हूँ, तो मेरे को जहाज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा भाई हो चाहे मेरे पापा, मतलब कोई भी एक्सपर्ट हो, मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है तो मैं उनको एक कॉपी दे दूंगा और मैं अपने भाई है जो भी है कोई घर वालों को बता दूंगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, मेरा इतना सैलरी होता है, इतना ये है, और कल कुछ भी हो जाए तो आप इस कंपनी पे कॉन्टेक्ट कर लेना और ये लेके आप वहाँ पे चले जाना, वो मेरा इन्फॉर्मेशन दे देगी मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्या नहीं। और ये है, ये आप घर बैठे पता लगा सकते हो, सिर्फ नेम से, मतलब आप चेक कर सकते हो, आईएमएन नंबर से चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ से निकला, दुबई से निकला या ऑस्ट्रेलिया से निकला, एक्सपोजर कहीं भी, तो मतलब इसमें पता चल जाता है कहाँ है कहाँ नहीं। अब तीसरी चीज बताता हूँ, अब जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, मैं किसी कंपनी से जा रहा हूँ, ठीक है, अब जिस कंपनी ने मेरे को भेजा उसका मोबाइल नंबर हमारे घर पे होना चाहिए, हमारे घर वालों को उनका कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, कंपनी कॉन्टेक्ट नंबर, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, चाहे क्रू मैनेजर हो चाहे कोई भी होगा एक्सपर्ट, कंपनी का बंदा होना चाहिए जो परमानेंट उस कंपनी में रहता है, उसमें काम करता है, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमारे घर वालों के पास रहना चाहिए, ठीक है, उनके पास मोबाइल नंबर रहेगा, कल हमने चलो मान लो 20 दिन या महीने पर बात नहीं की, तो घर वाले उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, भाई क्या रीजन है, मेरे बेटे ने बात क्यों नहीं की, मेरे भाई ने बात क्यों नहीं की, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। यदि कुछ नहीं बताता है, ये बोलेगा कॉन्टेक्ट लेटर दीजिए हमें, आप कॉन्टेक्ट लेटर ये दे दोगे ना उनको, तो पूरा डिटेल बता देगा ये, मतलब ये आपकी सेफ्टी के लिए। तो आप हमेशा याद रखना ये तीन चीज अपने घर पे बता के जाओ, आपके भाई को बता के दो, आपके पापा को बता के दो, यदि और कोई पढ़ा लिखा नहीं है कोई तो होगा फैमिली में तो उसको ये चीज बता के दो, और बताने से कुछ नहीं होगा, उसको बताओ कि इनका ये यूज है, आप मेरा वीडियो भी भेज देना उनको, दिखा देना कि भाई ऐसा सिस्टम है, तो हमारा मतलब पूरी डिटेल रहती है उनके पास, तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये आपकी सेफ्टी के लिए था, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था कि उनके घर वालों को ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मर्चेंडाइज से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और आपको डिटेल देता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।